इसलिए आपने देखा, गॉड हेल्प दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद खुद करते हैं। भगवान ही नहीं, हर कोई इंसान, मैं ही कहता हूं हर कोई इंसान बेटा तुम्हारी मदद तब करेगा जब तुम खुद की खुद मदद करोगे। आपको एक उदाहरण देता हूं, मैंने एक टाइपिस्ट रखा था, ठीक है, जॉब पे। वो उसके घर के हालात ना थोड़े नाजुक थे, हाँ, तो मैंने, टैलेंटेड नहीं था, इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब फिर भी मैंने उसे रख लिया कि घर के हालात थोड़े से उसके बेकार हैं, तो चलो रख लेते हैं, सिखा देंगे यार, कोई बात नहीं। बेटा आपको हकीकत बताता हूं, उसको मैंने सिखाने की कोशिश की, सिखाई, मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे कर, सीखता ही नहीं। प्यार से समझाया, डांट के समझाया, फटकार से समझाया, सीखना ही नहीं, हार के मैंने निकाल दिया। और मैंने उसको बहुत बुरा भला समझाया, डांटा भी। मैंने बेटा जो घर के तेरे हालात है ना, तू चाहता भी नहीं है उनको बदलना, तुझे बस हालात का रोना तो रोना आता है, बदलने के लिए मेहनत करनी नहीं आती, तू यहां डींगे तो हाक लेता है। अरे एक मौका दे दो, आप सिखाओगे, मैं सीख जाऊंगा, ठीक है, और अच्छे से काम करूंगा, करता नहीं है। सो तरह के बहाने बनाने, काम ना करने के, ठीक है, वो चीजें उसके अंदर थी। अब आप भी देख लो, कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हो, कहीं तुम्हें भी घर के हालात बदलने हो, सर हमारे घर के हालात बहुत बुरे हैं, मैं बदलूंगा, मैं नौकरी लगूंगा, और कहीं तुम करते वही हो, समझ रहे बेटा? तो फिर कोई इस दुनिया में आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम खुद की खुद ही मदद करना नहीं चाहते। एक तो जानते नहीं, ऊपर से मानते नहीं, यह बात गलत है, ठीक है पुत्र, समझ पा रहे हो? मैं छोटे शब्दों में जो बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसको डांट कर मुझे हालांकि निकालना पड़ गया। तो बेटा तू सीख ही नहीं सकता, क्योंकि तेरी नीयत ही नहीं है। पूरे 2 महीने मैंने उसको टेस्ट किया, कोई 2 महीने तक तो वो सुधरे। तो बेटा ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, अगर तुम नहीं मदद करोगे ना खुद की, पुत्र कोई भी, इवन माँ बाप भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, जब तुम खुद ही नहीं चाहते। तो ये तो कोई चीज खिलानी तो है नहीं कि चलो जबरदस्ती खिला देंगे यार, इंजेक्शन तो लगवाने नहीं, चलो जबरदस्ती लगवा देंगे, ठीक है। तो इसलिए याद रखो चीजों को, आओ बेटा।